क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हमारे पास दे रखे हैं इनका हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। यानी स्टेटमेंट फॉर्म दे रखा है, इक्वेशन फॉर्म में हमें इसको बनाना है, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, यानी क्या कहा है, x और 4 का जो सम है वो क्या है, 9 है। सम यानी उनको प्लस करेंगे, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, ये हो गया इसका सम, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये इसका आंसर है। सेकंड है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी y में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये इसकी इक्वेशन फॉर्म तैयार हो गई। थर्ड है, 10 टाइम्स a इज 70, थर्ड क्या कह रहा है, 10 टाइम्स a, यानी a कितने टाइम है, 10 टाइम है, तो a के साथ 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज 70, कितना है, 70 है, ये इसकी इक्वेशन फॉर्म तैयार हो गई। इसी का फोर पार्ट है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिवन 6, यानी b है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, और क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो b अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 6, इसकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट इसी का फाइव पार्ट है, 3/4 ऑफ t, यानी t का है 3/4 इज 15, तो 3 अपॉन 4 t, यानी 3/4 हो गया t का इज 15, ये हो गया 15, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट सिक्स है, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, पहले तो इसने क्या बताया है, 7 टाइम्स m, यानी m कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो 7m हो गया, प्लस 7 गेट 77, यानी इज इक्वल्स टू 77, ये इसकी इक्वेशन फॉर्म हो गई, 7m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 77। नेक्स्ट है इसी का, नेक्स्ट इसका सेवन पार्ट है, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ अ नंबर x, x का क्या है 1/4, ठीक है, ये हो गया 1/4, माइनस 4, इसमें से माइनस 4 करेंगे, इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, गिव्स 4, यानी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है इसी का, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यू गेट 60, यानी इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यानी 6y का क्या करेंगे हम, इसमें से 6 को ले लेंगे, यही कह रहा है, गेट 60, यानी इसका आंसर आएगा 60, ये इसकी इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इफ यू एट 3/1/3 ऑफ जेड यू गेट 30, यानी हमें एड क्या करना है, 3 को एड करना है 2/1/3 ऑफ जेड, 3 को किस में एड करेंगे, 1/3 ऑफ जेड, और क्या मिलेगा, यू गेट 30, तो जेड अपॉन 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 60, ये इसकी इक्वेशन फॉर्म होगी। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4।